ऑप्शन नंबर 3 उसमें दे रखा है तो गुणा करना वही। तो सबसे पहले करेंगे हम इसको हल करेंगे, पहले लास्ट क्या लिखते हैं 35 को जोड़ देंगे, x को किससे गुणा करना है, इससे गुणा करना है x माइनस 7 से, फिर प्लस के 5 को भी किससे गुणा करना है x माइनस 7 से, फिर क्या रहेगा प्लस का 35, पहले गुणा करना है बाद में 35 को देखना है। तो गुणा करो क्या होता है आपके x इंटू x माइनस x इंटू 7 गुणा करो तो होता है 5 एकम 5x माइनस 7 इंटू 5 35। ये तो हुआ इसका उत्तर, फिर क्या देगा प्लस के दे देगा आपके 35 प्लस का 35 माइनस 35 कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा है आपके x स्क्वायर, 7 में से 5 गए, ज्यादा कौन सा है माइनस वाले ज्यादा है, ये हो जाएगा माइनस का 2 है जो है आपके उत्तर। अब है दूसरा जो कट तो काट दो बाकी तो पीछे उत्तर लिख दो। अब ये वाला ए को गुणा करेंगे किससे, बी से, ये आएगा आपके ए स्क्वायर को गुणा करेंगे किससे, बी स्क्वायर प्लस 3 से, तो क्या करेंगे माइनस के 3 को गुणा करेंगे किससे, बी स्क्वायर प्लस 3 से, प्लस क्या आएगा आपके 5, ए स्क्वायर को भी गुणा करना है इससे और माइनस के 3 को भी गुणा करना है इससे, प्लस क्या आएगा आपके 5, गुणा करो ए स्क्वायर गुणा करेंगे बी से क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर गुणा करेंगे 3 से कितना आएगा प्लस का 3 ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 को गुणा करेंगे बी स्क्वायर से 3 बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 दिया 9 प्लस का 5, ये सब अलग अलग है ये दोनों क्या है आपके संख्या है तो आप प्लस माइनस कर सकते हो। यहाँ क्या आएगा आपके ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3a² माइनस 3b² ये अलग अलग है तो एडजस्ट करेंगे, अगर यहाँ भी ए स्क्वायर होता तो कट जाते, 9 तो माइनस का और 5 प्लस का, 9 में से 5 गए 4, ज्यादा कौन सा है माइनस का ज्यादा है, ये आएगा माइनस का 4। अब तीसरा टी को किससे गुणा करेंगे हम, टी स्क्वायर माइनस एस से, और फिर प्लस के एस स्क्वायर किससे गुणा करेंगे हम, टी स्क्वायर माइनस एस, ये संख्या आएगी दो बार, ये टी आ गया और एस स्क्वायर गया, गुणा करो टी या एक बार है या दो बार है, तो टी की घात 3 माइनस टी गुणा करेंगे एस से, या तो लिखो टी एस या लिखो एस टी, ये की बात है, ये भी स्थिति में एस पहले आता है तो लिख सकते हो एस टी, टी एस लिखो तो भी राइट है एस टी लिखो तो भी राइट है, दोनों गुणा कर कितना होता है एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस गुणा कर क्या होता है एस क्यूब, सब अलग अलग है तो कोई जोड़ना की नहीं होगी, या केवल एस टी है या एस स्क्वायर में है, ये टी क्यूब है और ये एस क्यूब, सब अलग अलग है किसी की जोड़ना की नहीं होगी, ऐसे ही रहेगा। अब ये वाला ये अलग है पूरा, ये अलग है और ये अलग है, तीनों को अलग अलग हल करेंगे, पहले इसको हल करो, ए क्या होगा ए को गुणा करना किससे, सी माइनस बी से, फिर प्लस के बी को किससे गुणा करना है, सी माइनस बी से प्लस, अब इसको अलग से हल करेंगे, ए को किससे गुणा करना है, सी प्लस बी से, फिर माइनस के बी को किससे गुणा करना है, सी प्लस बी से, अब प्लस 2 को गुणा करना है किससे, ए सी से भी गुणा करना है 2 को, और 2 को इससे गुणा कर क्या होगा 2bd, इसको इससे गुणा किया 2ac, इसको इससे गुणा किया आ गया 2bd आ गया। अब क्या गुणा करो a into c ac a into d ad b into c bc b into d bd प्लस b गुणा करेंगे आप किससे c से तो ac प्लस a गुणा करेंगे d से ad बी गुणा कितना होता है बी सी प्लस बी डी प्लस 2 ए सी प्लस 2 बी डी। अब ए सी तो कितना हो गया आपके एक बार और एक बार कितना दो बार और या दो बार और कितना हो गया आपके चार बार। वाह देखो यहाँ ए सी का कुछ भी लिखा हुआ है क्या मैंने यहाँ एक ए सी एक ए सी और ये कितना हो गया आपके दो एसी दो और कितना हो गया आपके चार एसी प्लस के चार एसी। अब है आपके बीडी, अब क्या है आपके बीडी, देखो यहाँ भी बीडी है माइनस का है
और यहाँ भी बीटी किसका है प्लस का है, ये कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल। अब देखो आपके बीसी ये है आपके प्लस का और ये हो गया आपके माइनस का, एडी ये है आपके माइनस का और ये है आपके प्लस का। इसमें पीछे क्या बताया कि बोला आपके पीछे बताया आपके प्लस का टू बी डी, बस यही बचे दो बाकी पढ़ गए, जोड़ दो जो बच गए दो काट लो काट दो। अब ए को गुणा करेंगे पूरी लाइन से, ए को किसे गुणा करना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस के बी को किसे गुणा करना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कोष्टक कितनी बार आएगा दो बार, ये आगे लिखिएगा और ये आ जाएगा। अब गुणा करो क्या आता है ए गुणा करो स्क्वायर क्या आएगा आपके ए क्यूब माइनस ए को गुणा करो ए बी क्या आएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब बी गुणा करेंगे और सब में एक एक बी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके बताओ प्लस का ए स्क्वायर बी, इसमें बी बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा यह माइनस है तो माइनस का आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो मिलता तो जोड़ दो बाकी कर दो होता है ये है माइनस का और ये क्या है प्लस का सेम मिल रहा है ना ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर बी, अब ये है माइनस का ये हो गया प्लस का सेम मिलना कट गया पीछे क्या बचा ए क्यूब और वो है प्लस का बी क्यूब, दो संख्या के पास है वही चिन्ह लगाना है। अब ये वाला सबसे पहले हमें ए को गुणा करना है किसे ए प्लस बी प्लस बी माइनस सी से, फिर प्लस के बी को गुणा करना है इसको पूरी लाइन से किसे ए प्लस बी माइनस सी से, फिर प्लस के सी को गुणा करना किसे ए प्लस बी माइनस सी से। अब गुणा करो पहले इसको इससे क्या आता है ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, सब में एक ए बढ़ जाएगा, अब यह सब में क्या बढ़ जाएगा बी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, इसमें सब क्या इसमें क्या बढ़ जाएगा सी बढ़ जाएगा प्लस ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर। कट दो कार्ड ए सी प्लस का ए सी माइनस का ए बी प्लस का और ए बी प्लस का दोनों और क्या कट रहा है बी सी प्लस का बी सी माइनस का। अब क्या आएगा आपके ए स्क्वायर आ गया फिर ए बी यहाँ पर भी ए बी यहाँ पर भी एक बार ए का कितना हो गया आपके दो बार ए बी दोनों प्लस के है ए बी प्लस का ए बी क्या है आपके प्लस का है तो कट ले तो दोनों प्लस कैसे एक प्लस का एक माइनस का है एक में से एक गया जीरो और एक और एक दो तो ये भी एक ये दोनों प्लस का हो जाएगा फिर क्या है आपके तो ये भी लिख दिया हमने ये भी लिख दिया ये भी लिख दिया एक और एक वो भी हो गया ये कितना दे रखा है आपके प्लस बी स्क्वायर फिर क्या दे रखा है माइनस सी स्क्वायर। आप तो इसके इससे समीकरण बना सकते हो क्या समझ रहे हो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लाइन लिखी हुई है इससे क्या बनाओगे आप चाहो तो लिख सकते हो ये भी तो राइट है ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा लिख लो ऐसा क्या लिखेंगे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ये भी राइट है और ये भी राइट है आप चाहो तो बनाओ सूत्र याद है तो नहीं तो ये राइट हो जाएगा और ये भी राइट हो जाएगा। अब ये वाला ए को गुणा करेंगे किससे ए माइनस बी से फिर प्लस को बी को गुणा किससे करेंगे हम ए माइनस बी से माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितने लिखा हुआ था हमने वो लिखा। अब गुणा करो ए को गुणा करेंगे इससे क्या आएगा ए स्क्वायर ए को गुणा करेंगे बी से क्या आएगा माइनस का ए बी प्लस गुणा करो क्या आएगा ए बी माइनस गुणा करो क्या आएगा आपके माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का ए बी माइनस का पीछे क्या बचा जीरो।